हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल आज एक कमाल का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो की शुरुआत है। मुझे बताइएगा आपको किस मल्टीमीटर पे वीडियो चाहिए, पूरा की पूरा मैं उस मल्टीमीटर पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो बहुत बनाया है, बट अब नए वीडियो नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक मैंने इतने मल्टीमीटर यूज़ किए हैं और इससे कहीं ज़्यादा और भी मल्टीमीटर मैंने यूज़ किए हैं जो मेरे पास अभी यहाँ नहीं है और मेरी लैब में है, मेरी क्लासेस की लैब में है। फिलहाल इतने मल्टीमीटर मैंने यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं, और भी मल्टीमीटर हैं जो मेरे कहीं अंदर दबे होंगे, बट इतने मल्टीमीटर के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस निकलता है, एक टीचिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। आपको पता चलता है कि आपको स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना है, क्या बेस्ट रहेगा, तब जाके पता चलता है कि किस मल्टीमीटर की एक्यूरेसी क्या है। अगर हम पैसा खर्च करते हैं भले ही वो 500 रुपये है, पर अगर हमें सही एक्यूरेसी ना मिले तो वो 500 रुपये भी वेस्ट है। अगर हम पैसा खर्च करते हैं भले ही वो 100 रुपये है, पर हमको अगर काम ना हुआ तो हमारे 100 रुपये का भी कोई मतलब नहीं है। और अगर हम पैसा खर्च करें भले ही वो 5,000 है, वो 2,500 रुपये है, या वो 10,000 है, और अगर हमें एक्यूरेसी मिलती है, हमें वर्थ मिलता है, तो वर्थेड है पैसा खर्च करना। बट लोग ये नहीं समझते, उनको सिर्फ सस्ते से मतलब होता है, सस्ता दे दो बस, और भले ही काम हो ना हो, फिर बाद में वो आउटपुट कभी नहीं देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि बस सस्ता दे दो और काम हो जाए। तो ये मेरा मानना नहीं है और बहुत लोगों का ये मानना नहीं होता है, पर बहुत लोगों का ये मानना होता है कि सस्ता मिल जाए भले ही काम ना हो, उसके बाद में फिर यही सोचते हैं कि काम ना हुआ तो उसका क्या रीज़न है। ये सब बातें नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से मल्टीमीटर हैं, क्या रेंज के हैं, और उससे हम किस तरह का काम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें सबसे सस्ता मल्टीमीटर अगर मैं बोलूँ तो ये आप देख सकते हैं, येलो मल्टीमीटर जैसे ये देख सकते हैं। सो ये एक चाइनीज़ मल्टीमीटर DT8 3D, और ये मल्टीमीटर लगभग 100 रुपये का आता है, 120-100 रुपये जो भी दाम के वेरिएशन इस मल्टीमीटर में होते हैं। इस मल्टीमीटर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस DC वोल्टेज मिलेगा जो कि 1000 वोल्टेज तक है, AC वोल्टेज मिलेगा 750 तक है, एम्पियर मिलेगा DC एम्पियर है, ये, और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मिली एम्पियर तक आपको दिखाएगा, और ये 10 मिली एम्पियर DC में भी दिखाएगा। HEF मतलब आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर रख के जो बेस एमिटर कलेक्टर है यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ये निकालता है, सॉरी। और ये डायोड और बजर मोड एक साथ है जो एक मल्टीमीटर में नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, आज ये समझाने का टाइम नहीं है। और ये आपके रेजिस्टेंस मोड है जो कि 2000 किलो ओम्स तक ही आपको चेक करेगा एक लिमिटेशन के साथ, ठीक है। और अब इसके बाद अगर इसके ऊपर का मल्टीमीटर में जाऊँ तो इसके ऊपर का मल्टीमीटर आता है सनसाइन का D9205E, ओके। इस मल्टीमीटर में आप देखिए तो ओम्स मोड में 200 मेगा तक जाएगा, तो मतलब ऑब्वियस है कि इस मल्टीमीटर से ज़्यादा ही है, ये 2000 के तक है और ये 2200 मेगा ओम्स के ऊपर है। इसमें भी HFE है, मतलब यहाँ पर भी आप बेस एमिटर कलेक्टर या अपने नॉर्मल का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी डायोड और बजर मोड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम ही है। यहाँ पर आप एक फेरानाइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप फेराड भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो फेराड यहाँ पर दिया हुआ है, पर यहाँ पर आप कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते, तो ये एक फ़ायदा इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मिली में डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, और ये मिली वाला डीसी एम्पियर है, ये ब्लू कलर का है, और ये हाई एम्पियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 एम्पियर तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डीसी एम्पियर, ओके। ये मतलब एम्पियर होता है, करंट होता है, और वी मतलब वोल्टेज होता है। ऊपर आपको डीसी मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं 1000 तक है, और नीचे आपको AC मिलेगा जो कि 750 तक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे चाइनीज़ लिखा हुआ है, डेट मीन चाइनीज़ मल्टीमीटर है। यहाँ पे लाइट का आपको दिया है, यहाँ पे लाइट की सुविधा है। इसका जो पैनल है थोड़ा बड़ा है, इसका पैनल छोटा है। ये आप लगभग मान लो 500-600 रुपये के आसपास आता है। देखो, कोई फिक्स प्राइस किसी का नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर की अगर मल्टीमीटर की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर का जो मल्टीमीटर है इस पूरी रेंज में वो ये है। ये काटो मोड का मल्टीमीटर है, ये सनसाइन का मल्टीमीटर है, ठीक है। ये DT19N डिजिटल मल्टीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पावर बटन देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, आप ओम्स देख सकते हैं, आप कैपेसिटेंस देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया है। ओम्स का जो मैक्सिमम है वो 60 मेगा तक है। कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं
60 मिली फेराड तक आप चेक कर सकते हैं नैनो फेराड से। डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे बजर मोड में आप 50 ओम्स तक की बजर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एनसीबी मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के पास ले जाऊँ तो बजट करने लगेगा, ठीक है। डायोड मोड पे आप 3 वोल्टेज यहाँ पर एक्यूरेसी में रहते हैं, डायोड मोड है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके अंदर ना आपको 3 आपको इस तरह के पोर्ट मिलेंगे, बस इसके अंदर देखो 4 पोर्ट मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसने क्या किया है 10 एम्पीयर और मिली एम्पीयर के लिए अलग दिया है। और इन्होंने क्या दिया है कि भैया अगर आपको एम्पीयर चेक करना है ना 10 एम्पीयर तो यहीं पे चेक कर लेंगे, बाकी सारे आप यहीं पे चेक कर लेंगे, तो 2 पोर्ट में यहाँ पे सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है, यहाँ पे लाइट की सुविधा भी है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में आपको यही मल्टीमीटर मिलेंगे और ये सबसे बेस्ट मल्टीमीटर है शुरुआत की रेंज में, ऑटो रेंज में ये लगभग 1000 रुपये के आसपास आता है। अब इसके बाद के मल्टीमीटर की बात करेंगे तो इसके ऊपर का मल्टीमीटर है DT 17N, और इसमें DT यहाँ पे आपको 19 ये दिखाई दिया, ये 17N है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मल्टीमीटर होता है, अच्छे टेक्नीशियन इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑटो मोड का मल्टीमीटर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ट्ज, ये आपके एम्पियर, ये आपके मिली एम्पियर, ये आपके माइक्रो एम्पियर, ये आपकी NCV मतलब लाइट की सुविधा, लाइट टेस्टिंग सुविधा, यहाँ से ऑफ हो जाता है, ये वोल्टेज AC, ये DC, ये आपके यहाँ से आपको सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ दी हुई है, सेल्सियस मिली वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ओम्स, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और यहाँ पे डायोड, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है, चाइनीज़ बहुत से इंस्टीट्यूट ये मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अब इससे थोड़ा और ऊपर मल्टीमीटर जाएंगे तो ये एक मल्टीमीटर इससे ऊपर, हालांकि इसी की रेंज का है, कोई अलग नहीं है। और ये बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये एक ब्लूटूथ, इसमें और इसमें फ़र्क इतना है, इससे भी ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से इसका डिस्प्ले निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेंज दे दी है, यहाँ पर रिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो REL जो दिया हुआ है, इसका भी मैंने काम बताया था, तो आप जाके मेरी रील्स में देख सकते हैं कि इसका क्या काम होता है। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बताया था इसका क्या काम होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। SCL और NCV यहाँ पर देखो, उन्होंने अलग से बटन दे दिए हैं, इससे होल्ड और इससे आप बेसिकली लाइट मोड पे जा सकते हैं, सेलेक्ट और NCV यहाँ पे कर सकते हैं, और ये सारे आपसे फंक्शन दिए। ऑटो मोड, अब ये सबसे बेस्ट लगा मुझे इन सब मल्टीमीटर में, ऑटो मोड में ही सब कुछ आ जाता है भाई, बजर हो तो बजर बजा देगा, डायोड है तो डायोड, पता नहीं क्या है, एक अच्छा ही मोड है ये, मेरे को सही लगा ये मोड। और ये वोल्टेज हो गया, ये मिली वोल्टेज हो गया हर्ट्स के साथ में, स्विच करना पड़ेगा, स्विच करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा पीला, और ये आपके वही तीनों चारों आपके कैपेसिटर, ओम्स और आपके डायोड, और उसके साथ बजर, और ये हर्ट्स हो गए जो कि हर्ट्स आउटपुट है, और ये इवन हर्ट्स को चेक भी कर सकता है, फ्रिक्वेंसी चेक भी कर सकता है, जैसे आपकी 32 किलोवाट्स की फ्रिक्वेंसी है, इसको भी ये चेक करके यहाँ पे दिखा देगा। तो ये आपके एम्पियर हो गए, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बराबर। तो ये मैंने लगभग 2000 के आसपास लिया था। अब इसके बाद जो सब उससे वो महंगा मल्टीमीटर है वो है फ्लुक का मल्टीमीटर। ये आईफोन में जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि चाइनीज़ ZSW फ्लुक के हिसाब से बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज DC मिली वोल्टेज ओम्स, और ये सब स्विच करना पड़ेगा इस वाले आपको बटन से, और ये आपके कैपेसिटर है हर्ट्स, ठीक है। काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है, एक्यूरेसी एक नंबर है, एक नंबर, अगर ये मल्टीमीटर होना तो काम पूरा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है कुछ। अब इसके बाद बाकी कौन से मल्टीमीटर है तो बता दूँ, तो भैया इस रेंज में सबसे महंगा मल्टीमीटर तो फिलहाल ये है, और ये 10000 का लगभग है, यूनिटी का UT61E+। इस मल्टीमीटर में क्या क्या नहीं है तो मैं तो इस वीडियो में बता नहीं सकता, मैंने एक मल्टीमीटर का कोर्स बनाया है, तो मेरे एक मल्टीमीटर के कोर्स को जाके समझ लेना, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, ठीक है। ये इसकी कनेक्ट कंप्यूटर से कनेक्टिविटी हो जाती है, कंप्यूटर में डिस्प्ले आ जाता है, बहुत कुछ है भैया इसके अंदर। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ फिलहाल, एक ये यूज़ करता हूँ और एक ये यूज़ करता हूँ, अभी दो यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा एक है आपको LCR मल्टीमीटर, आपने देख सुना होगा, तो LCR मल्टीमीटर जिसमें आप कॉयल वॉयल भी चेक कर सकते हैं, माइक्रो हैंडी, तो ये LCR मल्टीमीटर होते हैं, तो ये लगभग 2500-3000 की रेंज के होते हैं। और एक MLC मल्टीमीटर होता है, और इंडक्टर कैपेसिटर ये सारी चीज़ें, तो ये वाला भी मल्टीमीटर आपको 5000-5500 की रेंज में आ जाएगा, जिसमें आप कैपेसिटर और इंडक्टर चेक कर सकते हैं। तो ये सारे मल्टीमीटर हैं, मैंने आपको बताया, अभी मुझे बताइए किस मल्टीमीटर का आप वीडियो, तो मैंने आपको बताया किस मल्टीमीटर का आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, जिस मल्टीमीटर पर ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको सारे मल्टीमीटर को समझना है, एक एक, ये वाला, ये वाला, ये 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 इधर, ये वाला, ये वाला, तो आप मेरा कोर्स अटेंड कर लो, ये कोर्स बहुत ही सस्ता कोर्स है,
मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, तो इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा कोर्स की, ठीक है, मल्टीमीटर के। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक ये कोर्स बनाया हुआ है एडवांस डिजिटल, और ये कुछ 1500 रुपये का कोर्स है मल्टीमीटर का। तो ये कोर्स में बेसिकली क्या है, सारे मल्टीमीटर यहाँ पर मैंने बताए हैं यहाँ पर, और इनका बिट प्रैक्टिकली यहाँ पर इनको आपको चेक करवाया है। तो अगर जिन भाइयों को मल्टीमीटर चलाना है और उनका सीखना है, पूरा इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहते हैं और सिर्फ मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएगा। थैंक यू। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म।